नमस्कार दोस्तों, एचबी ऑनलाइन का से स्वागत है। छत्तीसगढ़ बोर्ड सीजी बोर्ड का कक्षा 10वीं रेगुलर वाले जो बच्चे हैं या प्राइवेट वाले बच्चे जो अभी जुलाई महीने में आप लोग जो एग्ज़ाम दिलाए हैं सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम, ठीक है, उसका जो रिजल्ट है ना, उसका बेसब्री से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे डेली जो है साइट को खोल खोल के देख रहे हैं कि रिजल्ट कैसे नहीं आ रहा है। तो रिजल्ट में कॉपियां चेक हो चुकी है दोस्तों, बस आपका रिजल्ट जो है एक दो दिन में जारी हो जाएगा, मतलब 14 सितंबर के पहले तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो कक्षा 10वीं और 12वीं का जब रिजल्ट आएगा तो यहाँ पर जो सामने स्क्रीन आपको जो दिखाई दे रहा है ना, इसी स्क्रीन पर लिखा होगा कक्षा हाई हायर स्कूल सेकेंडरी परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया, इसी लिंक को आपको क्लिक करना होगा। लिंक को क्लिक करेंगे उसके बाद आपको मालूम है रोल नंबर वगैरह क्लिक करना होता है, जैसे कि यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको किस प्रकार से आप अपना रिजल्ट देखेंगे। ये लिखा रहेगा यहाँ पर है ना, परीक्षा परिणाम, ठीक है। तो इसमें जो मुख्य परीक्षा है उसका ऐसे साइट खुल जाएगा, सप्लीमेंट्री वाला जब एग्ज़ाम आएगा तो उसका लिंक अलग से रहेगा। इस लिंक में आपको खाली रोल नंबर डालना है और एक कैप्चा कोड डालना है, फिर आपको जो रिजल्ट है वो आपको दिखाई देने लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना रिजल्ट जो है उसमें देख सकते हैं। तो ज़्यादा अब इंतज़ार ख़त्म हो चुका है सप्लीमेंट्री वालों का, और रिजल्ट जो है बहुत जल्द आपका जारी हो जाएगा। उसके बाद यदि आपका परीक्षा परिणाम सही नहीं होता है, यदि किसी कारणवश आप उसमें फिर फेल हो जाते हैं, तो आपको तीसरा मौका फिर से दिया जाएगा पास होने के लिए, यानी फिर से फॉर्म आपको भरने का समय दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है, है ना। तो जो कि परीक्षा मार्च अप्रैल में जो होगा मुख्य परीक्षा, उसी के साथ आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक। तो इस प्रकार से आपको तृतीय चांस जो है वो भी दिया जाएगा पास होने के लिए। धन्यवाद।